रेडियो जॉकी और टीवी प्रेजेंटर से नेता बनी 32 साल की बैरल वाने सांगी मिजोरम में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आइजोल साउथ 3 से मिजोरम विधानसभा के लिए चुनी गई वो सबसे कम उम्र की महिला विधायक हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन में और महिलाओं की जरूरत है। आप लड़की हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है और जिसके लिए हमारे अंदर पैशन है। मैं हर समुदाय की महिलाओं और लड़कियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप वो हासिल कर सकते हैं, बस हमारे सपने और पैशन मजबूत होना चाहिए। हर चीज संभव है। मिजोरम में इस बार रिकॉर्ड 3 महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। जोरम पीपल्स मूवमेंट की लालरिंग बुई लुंगले ईस्ट से, मिजो नेशनल फ्रंट की प्रावो चकमा वेस्ट दुईपुई से जीती हैं। लेकिन इसके बाद भी 40 सदस्यों की विधानसभा में महिलाओं की नुमाइंदगी बस 7.5% ही है। मिजोरम में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन विधानसभा और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। मिजोरम के अहम राजनीतिक दल आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। मिसाल के लिए इस बार विधानसभा चुनावों में सिर्फ 16 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी। मिजोरम में 1978 में पहली बार महिला विधायक चुनी गईं जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एल थनमोई ने चुनाव जीता। दूसरी महिला विधायक 1984 में चुनी गईं। इसके बाद MNF की ललहिम बुई 1987 में मंत्री बनी। 2014 में उपचुनाव में एक और महिला वल ललम्पुई चोंगतू विधायक बनी। बाद में 2017 में वो मंत्री भी बनी। आइजोल से रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।